हेलो फ्रेंड, मैं शशि राही स्वागत करता हूं एक बार आपका फिर से आज के इस ट्यूटोरियल में। और फ्रेंड, आज का वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। रिक्वेस्ट की हमें विशाल कुशवाहा जी ने, उन्होंने मुझसे जो पिछली वीडियो बनाई थी मैंने उसके बारे में उन्होंने पूछा है। जो मैंने मॉकअप यूज़ किया है वो फोटोशॉप में कैसे यूज़ किया है, तो उसी के बारे में आज मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसको नोटिफिकेशन आपको मोबाइल स्क्रीन आपके मेरे तक सबसे पहले पहुँच जाए। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे मॉकअप क्या होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। जैसे आप कोरल ड्रॉ में, फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, डिज़ाइन में, किसी में भी आप डिज़ाइन बनाते हो तो वो आप जो डिज़ाइन बनाते हो फ्लैट डिज़ाइन बनाते हो, ठीक है ना। जैसा आप इमेज में देख सकते हो, जब आप उसको जो अपनी प्रोडक्ट की जो प्रेजेंटेशन होती है आप उसको दर्शाते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बनने के बाद कैसा दिखेगा, उसको बोलते हैं मॉकअप। जैसे आप राइट हैंड पर देख सकते हो, ये फ्लैट डिज़ाइन है जो आप कोरल ड्रॉ में बनाते हो, अपना सॉफ्टवेयर में बनाते हो, बनने के बाद हमारा डिज़ाइन कैसा दिखेगा उसे हम मॉकअप कहते हैं। मॉकअप हर किसी फील्ड का होता है, चाहे वो एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, एसेसरी डिज़ाइनिंग हो, एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग हो, कोई भी डिज़ाइनिंग हो, आपकी ब्रोशर, फ्लायर, विजिटिंग कार्ड, टी शर्ट डिज़ाइनिंग, कैसी भी डिज़ाइनिंग हो, हर किसी का मॉकअप होता है। तो चलिए इसका यूज़ कैसे करते हैं वो जान लेते हैं हम। जैसे कि आपने जो थंबनेल में देखा है वो टेक्स्ट इफेक्ट है और वो आप उसको इजीली आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो मॉकअप है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो हम चलते हैं मॉकअप की तरफ। देखिए, ये मैंने मॉकअप जो है डाउनलोड कर लिया है और इसे मैं ओपन विथ फोटोशॉप कर लेता हूँ। आप किसी भी चीज़ का, चाहे आप पैकेजिंग, चाहे वो स्वीट्स बॉक्स हो, चाहे वो पैकेजिंग हो, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ ये इस तरीके का आपको टेक्स्ट इफेक्ट मिल गया। मैं आपको बता दूँ कि ये आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें जो पहले से प्री बिल्ड जो उसमें कलर डाला हुआ है, इसको आपको अगर ऐसे ही रखना है तो आप जो अभी अपना टेक्स्ट बनाएंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, वो आप ब्लैक कलर से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ कोरल ड्रॉ में, या फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, बट मैं आपको कोरल ड्रॉ में से सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ अपना नाम टाइप कर लेता हूँ और मुझे जो भी फॉन्ट यूज़ करनी है इसमें मैं फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं एक नॉर्मल से फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं जैसे करता हूँ एक्सपोर्ट, आप जो भी डिज़ाइन बनाओगे आप उसे जेपीजी में बनाना पड़ेगा, मगर मैं इसे पीएसडी में यूज़ करने वाला हूँ तो मैं इसे बना करूँगा कंट्रोल ई एक्सपोर्ट करूँगा। यहाँ मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं इसका जो फॉर्मेट है वो रखता हूँ पीएनजी। आप कीबोर्ड में टाइप करेंगे पी, जैसे पी करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप इसको एक्सपोर्ट कर दें। आप यहाँ कलर मोड अपना आरजीबी या फिर आप प्रिंटिंग के लिए कर रहे हैं तो सीएमवाई के, और यहाँ आपको बाय डिफ़ॉल्ट 200 या 300 मिलेगा। आप क्वालिटी अच्छी रखने के लिए 400 कर सकते हो, ओके, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर मैं इसको जेपीजी में बनाता तो ये उसकी साइड से वाइट कलर की बैकग्राउंड आती, और पीएनजी आपको पता है पीएनजी फॉर्मेट में बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है। अब हम जाते हैं डेस्कटॉप पे, देखिए ये जो है अगर आप उसको ओपन करके देखेंगे तो ये पीएनजी फायरवर्क में ओपन होगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए हम फोटोशॉप में गए हैं। अब मैं आपको जो मेन काम है वो बता दूँ, जिससे आप कोई भी मॉकअप जब यूज़ करेंगे आप उसके लेयर पैनल पर आप जब आएंगे तो आप देखेंगे एक जो स्मार्ट लेयर होती है जो हमारी, आप उसमें एक जो आइकन देख पा रहे हैं आप, उसमें लिखा भी होता है कि यहाँ आप डबल क्लिक करें, ठीक है, जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा, यहाँ जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये एक फ्लैट इमेज बन जाएगी और ये आपसे ओके करने के लिए बोलेगा। आप ओके कर दें, कीप लेयर रखें। देखिए यहाँ जब आपने क्लिक करा तो ये हो गया प्रो फ्लैट लेयर बन गया। ये कर्व है यहाँ, आप ये एडिटेबल नहीं है कि आप इसमें अपना टेक्स्ट लिख पाएँ। अगर आप इसको कर देंगे डिलीट, अभी आप इसको डिलीट नहीं करेंगे, आपका जो आपने जो पीएनजी बनाया है उसे आप लेके आएंगे और इसमें आप प्लेस कर देंगे उसको, ठीक है। ये कितना भी छोटा आएगा आप ऑल्ट और शिफ्ट को दबाएंगे और उसको सेम रेशो में बड़ा कर लेंगे, ठीक है, जितना बड़ा ये है उतना कर लेंगे। अब आपको ये जो देखिए जो रिप्लेस में लिख रहा है, जो यानी कि जो पहले वाली लेयर है आपको उसको कर देना है डिलीट, ठीक है, ये नाम आपका रह गया। ध्यान रहे आपको इसमें कलर नहीं डालना क्योंकि वो कलर ऑलरेडी ही इसमें सेट है, प्रीबिल्ड है वो। अब आपको क्या करना है, जो लेयर है आपको उसको करना है क्लोज, ठीक है। और ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये हर मॉकअप में अप्लाई होता है, आप इसको क्लोज करेंगे। बस यही आपको जो करना है मेन काम, ये आपसे बोलेगा येस या नो, आपको करना है चेंजेस येस, ठीक है। ये कुछ टाइम लेगा आपका थोड़ा सा।
फ्रेंड देख सकते हैं, वो जो पहले जो टेक्स्ट लिखा था उसकी जगह आपका टेक्स्ट लिख गया है। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो आप इस पर फिर डबल क्लिक करेंगे, वो फ्लैट इमेज खुल जाएगी। यहाँ आप इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे और आप उसको क्लोज करेंगे तो वो यस बोलेगा, आपको यस करना है बस। ठीक है, यस करेंगे तो जो भी आप मॉडिफिकेशन करेंगे वो इसमें अपडेट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था आज का वीडियो। अगर इस वीडियो में भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।